रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर बस और स्कॉर्पियो की आमने सामने से टक्कर हुई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परकच्छे उड़ गए हैं। हादसे में 2 महिलाओं समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फरस गांव के अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश और धुंध की वजह से स्कॉर्पियो चालक को सामने से आ रही बस नजर नहीं आई, जिससे हादसा हो गया। मामला जिले के फरस गांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कोंडागांव जिले में लगातार बारिश हो रही है। दोपहर में स्कॉर्पियो वाहन जगदलपुर से रायपुर की तरफ जा रही थी, उधर विपरीत दिशा से बस रायपुर से जगदलपुर की तरफ आ रही थी। इसी बीच बारिश की वजह से चिचाड़ी पुल के पास स्कॉर्पियो वाहन चालक को बस नजर नहीं आई, जिससे आमने सामने से दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 3 और बस में सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में बैठे अन्य यात्रियों ने इस हादसे की जानकारी फरसगांव थाने के जवानों को दी। मौके पर पहुंचे जवानों ने सभी घायलों को फरसगांव अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी का उपचार जारी है। डॉक्टरों की माने तो घायलों को सर, हाथ समेत शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोटें आई हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।